नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी NIOS की ओर से आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम DLED संबंधित पाठ्यक्रम 502 के विषय समय प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए शिक्षा विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंह जी हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन है। समय प्रबंधन, जैसा कि हम सब जानते हैं, समय की महत्ता बराबर से स्वीकार की गई है और यह माना जाता है कि जो 24 घंटे का समय मिला है वह 24 घंटा छोटे या बड़े का ख्याल नहीं करता, उम्र का ख्याल नहीं करता, बल्कि हर किसी को एक जैसा ही उपलब्ध होता है। लेकिन आज के भागते भौतिक युग में, जहाँ समय कई कार्यों के लिए समय कम पड़ रहा है और हम एक तरह से उस दौड़ में शामिल हैं जहाँ समय के हर क्षण का यदि सदुपयोग न किया जाए तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही है, इसलिए आज के दौर में समय प्रबंधन हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम गौरव जी से आग्रह करते हैं कि वे सबसे पहले हमें यह बताएं कि समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी। जैसा कि आपने कहा कि समय प्रबंधन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है और आपने बहुत अच्छा बात कही कि 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को लगभग समान समय उपलब्ध है, परंतु हम उस समय का अधिकतम उपयोग कैसे कर पाते हैं ये हमारी योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। हमारे अध्यापक जो कक्षा में पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि उन पर विद्यालय में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ाना होता है, अलग अलग विषयों को पढ़ाना होता है, सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना होता है, छात्र भी भिन्न प्रकार के होते हैं, तो प्रत्येक अध्यापक को समय प्रबंधन को समझने की आवश्यकता है। उसका कारण यह है कि प्रत्येक शिक्षक के पास कक्षा में सीमित समय उपलब्ध है। जी जी। छात्रों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। सारे बच्चे एक ही गति से पढ़ेंगे ये आवश्यक नहीं है, एक ही विधि से पढ़ेंगे ये आवश्यक नहीं है, तो कई बार अध्यापकों को शिक्षण युक्तियों में भी भिन्नता लानी पड़ती है, अलग अलग प्रकार की शिक्षण युक्तियां प्रयोग करनी पड़ती हैं। और जब वो अलग अलग प्रकार की शिक्षण युक्तियां प्रयोग करते हैं तो हमें ये भी पता है कि प्रत्येक शिक्षण युक्ति के लिए जो समय है वो अलग प्रकार का होता है। बिल्कुल। कुछ ऐसी शिक्षण युक्तियां हैं जो कम समय में अपनाई जा सकती हैं, कुछ ऐसी शिक्षण युक्तियां हैं जिनके लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो ये सारे कारण जो हैं, ये इन कारणों से एक अध्यापक को ये जानना आवश्यक हो जाता है कि समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो इसका मतलब है कि समय प्रबंधन के कई आयाम होंगे कक्षा में। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कक्षा कक्ष में समय प्रबंधन के विभिन्न आयाम कौन से हैं। ज्ञानदेव जी, जब हम कक्षा कक्ष में समय प्रबंधन के आयामों की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कक्षा कक्ष में जो समय है वो कितने प्रकार का होता है एक अध्यापक के सामने। जी जी। एक समय है जिसको हम कहते हैं कुल उपलब्ध समय, एक समय है जिसको हम कहते हैं आवंटित समय, एक समय है जिसको हम कहते हैं संलग्नता हेतु उपलब्ध समय, एक समय है जिसको हम कहते हैं शैक्षणिक अधिगम समय। तो चार प्रकार के तो समय के आयाम हैं। जी जी। साथ ही समय प्रबंधन के लिए पठन पाठन की गति कैसे निर्धारित की जाए, जी, ये भी समय प्रबंधन का आयाम है। और जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक विषय से दूसरे विषय में विद्यार्थी जाता है तो उस समय जो परिवर्तन होते हैं, अंतः परिवर्तन होते हैं, उनमें कितना समय लगता है, जी जी, उसका प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। और मुझे लगता है कि एक अध्यापक को, प्राथमिक अध्यापक को खास तौर पर इन सब के विषय में विस्तार से जानना चाहिए। जी जी। जैसे पहले मैं बात करता हूँ उपलब्ध समय की। जी। उपलब्ध समय से हमारा क्या तात्पर्य है? उपलब्ध समय से हमारा तात्पर्य है विद्यालय में समस्त क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध कुल समय। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक शैक्षणिक वर्ष में कुल कितने कार्य दिवस शिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। जी। कुछ लोग उसको एनुअल कैलेंडर भी बोलते हैं। जी जी जी। पूरे वर्ष में कितने कार्य दिवस इस सत्र में होंगे, तो कितने दिवस उसको सत्र में उपलब्ध हैं, साथ ही एक कार्य दिवस में उसको कितने घंटे उपलब्ध हैं। जी। 6 घंटे का विद्यालय है, 8 घंटे का विद्यालय है, उसमें से कितने घंटे पठन पाठन के लिए हैं, कितने घंटे अन्य क्रियाकलापों के लिए हैं, तो कुल उपलब्ध समय एक दिन में कितना उपलब्ध है और एक वर्ष में कितने कार्य दिवस उपलब्ध हैं। सबसे पहले शिक्षक जब समय प्रबंधन की चिंता करता है और वह समय प्रबंधन की योजना बनाता है तो उसको ये जानना आवश्यक है
कि उस विद्यालय में समस्त क्रियाकलापों के लिए, जिसमें शिक्षण, जिसमें सहशिक्षण क्रियाएं, जिसमें खेलकूद, जिसमें परीक्षाएं, जिसमें प्रवेश, जिसमें नामांकन, सारी चीज़ें, जिसमें त्योहारों का मनाना, सब कुछ शामिल होता है, तो विद्यालय में कुल क्रियाकलापों के लिए कुल पूरे वर्ष में कितना समय उपलब्ध है, सबसे पहले एक अध्यापक को ये जानने की आवश्यकता है यदि वह समय प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहता है। दूसरा आयाम है आवंटित समय। जी, उपलब्ध समय तो पूरे वर्ष में उपलब्ध समय की बात हो गई, लेकिन आवंटित समय का मतलब यह है, आवंटन कई प्रकार से समय का विद्यालयों में होता है। जी, जैसे एक विषय क्षेत्र को कितना समय दिया गया है, जी जी, तो वह किसी विषय क्षेत्र को आवंटित समय होता है। जी, कुल कितने कालांशों में, घंटों में, पीरियड में प्रत्येक दिवस को बांटा गया है, जी जी, या एक अध्यापक को या एक विषय को कितने कालांश आवंटित किए गए हैं, तो ये एक आवंटन का आधार है, क्योंकि यह तो पाठ्यक्रम की मांग भी होती है कि उस किसी विषय में कितना समय दिया जाए। किसी विषय में अधिक कालांशों की आवश्यकता हो सकती है, किसी विषय में कुछ कम कालांशों की आवश्यकता हो सकती है, तो यहाँ पर भी अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि सारे विषयों के अध्यापक एक साथ बैठकर ये तय करते हैं कि किस विषय के लिए कितने कालांशों को आवंटित करने की आवश्यकता है। फिर एक सप्ताह में कितने कालांश आवंटित हैं, उस सप्ताह में किस विषय को कितने कालांश आवंटित हैं, तो कुल आवंटित कालांश कितने हैं पूरे विषय के लिए, और एक सप्ताह में आवंटन का क्या आधार है, ये भी आवंटित समय का एक आयाम है। साथ ही एक कालांश में कितना समय आवंटित है, जी, कुछ घंटे 45 मिनट के होते हैं, कुछ घंटे 40 मिनट के होते हैं, कहीं सभी घंटे 45 मिनट के होते हैं, कहीं सभी घंटे 35 मिनट के होते हैं, तो आपके विद्यालय में कालांशों का आवंटित समय क्या है, अध्यापक को यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि तभी वह अपने पठन पाठन का समय प्रबंधन कर पाएगा। आवंटन का एक और आयाम है, एक विषय के शिक्षण में कुछ सैद्धांतिक आयाम होते हैं, कुछ प्रायोगिक पक्ष होते हैं, कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का भी उसे आयोजन करना है, तो उसके लिए भी वो आवंटन निर्धारित होता है कि सैद्धांतिक चर्चा के लिए कितने समय को आवंटित किया गया है, कितने कलांश आवंटित किए गए, प्रायोगिक परिचर्चा के लिए, प्रायोगिक कार्यों को करने के लिए कितने समय आवंटित किया गया है, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कितने समय का आवंटन किया गया है। तो जब हम समय के आवंटन की दृष्टि से देखते हैं समय प्रबंधन को, तो विषय क्षेत्र के लिए आवंटित समय, जी, कुल आवंटित कालांशों की संख्या, एक सप्ताह में कितने कालांश आवंटित हैं, एक कालांश कितने समय का है, और सैद्धांतिक, प्रायोगिक और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कितने प्रकार से आवंटन किया गया है, अर्थात आवंटन का भी एक विस्तृत चित्र अध्यापक को अपने सामने रखना पड़ता है जब वह आवंटित समय के आयाम की बात। तो दोनों तरह से रखना पड़ेगा एक अध्यापक को, जी, कि एक वार्षिक कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, उसमें कुल आवंटित समय उनके पास क्या कितना है और दैनिक क्या है, दैनिक और आगे चल के यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके पास जो भी 35 या 45 मिनट की कक्षा है उसमें किस तरह से। हाँ, अब हम उसी पर आते हैं। जी जी, जो तीसरा आयाम है समय प्रबंधन का, उसको कहते हैं संलग्नता हेतु समय, जी, टाइम फॉर एंगेजिंग द लर्नर। लर्नर, जी, अध्यापक यदि 45 मिनट या 35 मिनट की कक्षा है उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप करता है, उसमें कई बार वो उपस्थिति भी लेता है, वो पिछले दिन के किए गए क्रियाकलापों या गृह कार्यों का निरीक्षण भी करता है, साथ ही वह कुछ प्रश्न भी पूछता है, प्रश्नों के उत्तर भी देता है, तो इसमें से वे क्रियाएं जिसमें विद्यार्थी संलग्न रहते हैं, जी, पठन पाठन में खासतौर पर अधिगम क्रियाकलापों में, जैसे लिखना, पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना, इन सब के लिए जो निर्धारित समय होता है वह संलग्नता हेतु समय होता है। यदि अधिगम की दृष्टि से देखें, जी, तो संलग्नता हेतु लगने वाला समय वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि वह समय यह निर्धारित करता है कि एक घंटे में या एक कलांश में कितने समय तक विद्यार्थी अधिगम के क्रियाकलापों में संलग्न रहेंगे और कितने समय अभी अध्यापक को तय करना है कि 45 मिनट की यदि उसकी कक्षा है तो उसको कितने मिनट उपस्थिति के लिए लेने हैं। पता लगा वो उपस्थिति लेने लगा और कुछ और मुद्दे पर परिचर्चा करने लगा, 25 मिनट बीत गए, तो विद्यार्थियों की संलग्नता के लिए 20 मिनट ही बचे। यहाँ समय प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यापक की यहाँ पर जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि उसको जितने प्रकार के क्रियाकलाप एक कक्षा में एक घंटे में करने हैं उन विभिन्न क्रियाकलापों के लिए कितना कितना समय उसको देना चाहिए। तो ये संलग्नता हेतु जो समय का आयाम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे भी जो विशिष्ट आयाम है, इसमें भी एक विशिष्टीकरण है जिसको हम कहते हैं शैक्षणिक अधिगम समय। अच्छा, लर्निंग टाइम कितना है, ये वो समय है जब हम बच्चे को कोई अधिगम संबंधित कार्य देते हैं
और अध्यापक और बच्चा उस कार्य को पूरा करता है, ठीक है। तो शिक्षार्थी द्वारा निर्धारित अधिगम कार्य को सफलतापूर्वक करने में लगनाए जाने वाला समय, उसके द्वारा लगाए जाने वाला समय जो है वो शैक्षणिक अधिगम समय कहलाता है। इसमें कक्षा में जो अनावश्यक बातचीत होती है, सामान्य सूचनाओं का जो संप्रेषण होता है, उपस्थिति आदि दर्ज की जाती है, वह समय इसमें सम्मिलित नहीं होता। तो यदि हम कुल मिलाकर इन सारे समयों के आपसी संबंधों को देखें, तो यहां मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि शैक्षणिक अधिगम समय जी सबसे महत्वपूर्ण है और वह सबसे कम उपलब्ध होता है जी। तो कुल उपलब्ध समय कितना है, उस उपलब्ध समय, वो पूरा उपलब्ध समय पूरी कक्षा के लिए, सभी अध्यापकों के लिए, सभी विषयों के लिए जी, उसमें से एक अध्यापक को कितना समय आवंटित है, उसके विषय के लिए उसको कितने कालांश आवंटित हैं, उसको कितने कालांश आवंटित है सैद्धांतिक के लिए, कितने प्रायोगिक के लिए, कितने अन्य क्रियाकलापों के लिए, उस आवंटित समय में से कितने समय वो विद्यार्थियों को संलग्न रखता है, और उसमें से भी कितने समय में शैक्षणिक अधिगम प्रभावी ढंग से किया जाता है, ये जो संबंध है ये बड़ा महत्वपूर्ण है जी। और एक अध्यापक जब समय प्रबंधन की योजना बनाता है तो उसको इस संबंध को समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब संबंध समय की जो चार कोटी है भी आपने एक तरह से बताई जी, जी, एक जी। अध्यापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि इन चार कोटियों को का समन्वय किस तरह से हुआ जी, जी। क्योंकि एक शिक्षक जब तक यह नहीं जानेंगे कि उनके पास उपलब्ध समय क्या है और उनके विषय के लिए आवंटित समय क्या है उस कक्षा के लिए, क्योंकि फिर कक्षा विशेष है, विषय विशेष है, और उसमें संलग्नता जो अनिवार्य है जी। और एक शिक्षक को इसका ध्यान तो जरूरी रखना चाहिए कि वह छात्रों को अधिक से अधिक कक्षा में सीखने की प्रक्रिया में संलग्न करे। बिल्कुल जी जी। इसके साथ एक और आयाम है समय प्रबंधन का, वह है शिक्षण अधिगम की गति का निर्धारण। अच्छा। जिसको हम कहते हैं गति प्रदान करना, पेसिंग द लर्निंग। कई शिक्षक जो इतना पाठ्यक्रम का हिस्सा तय करके आते हैं कि आज हम इतनी पाठ्य वस्तु या इतने शिक्षण बिंदु 45 मिनट के समय में पूरा कर लेंगे, कई बार देखा गया है वो उन सारे शिक्षण बिंदुओं को पूरा नहीं कर पाते। कारण, वो किसी एक शिक्षण बिंदु पर बहुत अधिक समय दे देते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं, ये दो शिक्षण बिंदु आज और पूरे करने हैं, तो उन दो शिक्षण बिंदुओं के लिए फिर उस पर कम समय रह जाता है, तो वो कम समय में उनकी बात करते हैं। इससे प्रभाव क्या पड़ता है, मान लीजिए शिक्षण बिंदु 1, 2, 3, उनको तीन शिक्षण बिंदु 45 मिनट में पूरे करने हैं, एक शिक्षण बिंदु के लिए उनके पास 20 मिनट का समय है, दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए 15 मिनट का समय है, तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए 10 मिनट का समय है। लेकिन यदि पहले में ही 25 मिनट लग गए जी, या पहला ही आपने 10 मिनट में खत्म कर दिया और दूसरे वाले को आपने 25 मिनट दे दिया, क्योंकि यह समय निर्धारण आप कैसे करते हैं, किस शिक्षण बिंदु को कितना समय देंगे, यह अध्यापक निर्धारित करता है उस शिक्षण बिंदु के महत्व पर, उस शिक्षण बिंदु के अंदर जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी उसकी कितनी मात्रा छात्रों को जानना जरूरी है, उसके आधार पर शिक्षक यह तय करता है कि उसको कौन से शिक्षण बिंदु में कितना समय देना चाहिए। लेकिन यदि वो कक्षा में गति का निर्धारण ठीक से नहीं कर पाता तो विषय वस्तु को ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर पाता, इसलिए गति प्रदान करना आवश्यक है। दूसरा आयाम यह है, कई बार शिक्षक अपने शिक्षण की गति अपनी बुद्धि के अनुसार तय करते हैं, जबकि कक्षा में वो विद्यार्थी हैं उनके अधिगम की गति अलग होती है। बिल्कुल। अध्यापक बहुत सारा पढ़ाकर चले जाते हैं और विद्यार्थी उसमें से एक शिक्षण बिंदु भी नहीं समझ पाते, क्योंकि विद्यार्थियों के शिक्षण की अपनी गति है, उनकी आयु है, उनकी क्षमता है। बिल्कुल। प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं और प्रारंभिक विद्यालय में 6, 7, 8 में जिन अध्यापकों को पढ़ाना है, तो दोनों में गति में भिन्नता है। कारण, क्योंकि वहां जो विद्यार्थी बैठे हैं उनकी अधिगम क्षमताएं भिन्न है, उनकी मानसिक योग्यताएं अभी उतनी विकसित नहीं है छोटे बच्चों की, तो वो बहुत तेजी से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को नहीं समझ सकते। ऐसे में शिक्षक की एक और जिम्मेदारी होती है समय प्रबंधन के दौरान, ये तय करना कि उसके शिक्षण की गति और विद्यार्थियों के जो अधिगम की गति है उनके बीच तारतम्यता और सामंजस्य स्थापित रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो शिक्षण अधिगम की गति का निर्धारण हो गया, दूसरा विद्यार्थियों के अनुसार गति का निर्धारण हो गया, तीसरा जब हम गति निर्धारण की बात करते हैं तब ये भी तय करते हैं कि विषय वस्तु की प्रकृति के अनुरूप गति होती है। जी जी। यदि विषय वस्तु में क्लिष्टता है, कठिनता स्तर ज्यादा है, तब शिक्षण की गति उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया जाता है, ज्यादा उदाहरण लेकर आए जाते हैं, बच्चों से ज्यादा प्रश्न किए जाते हैं, उससे संबंधित क्रियाकलाप ज्यादा कराए जाते हैं। वहीं यदि सरल विषय वस्तु है, बच्चों को उसके बारे में बहुत ज्यादा पहले से पता है या उनके पूर्व अनुभवों से उस विषय वस्तु का सीधा संबंध है, तो अध्यापक क्या करता है,
वहाँ पर गति को तेज कर देता है। तो अध्यापक को ये भी तय करना है जब वो समय प्रबंधन करे कि वो विषय वस्तु की प्रकृति के अनुरूप अपने शिक्षण की गति का निर्धारण करे। और इसी गति प्रदान करने में जो चौथा आयाम है वह है अधिगम उपलब्धि और गति में सामंजस्य। ये अधिगम उपलब्धि क्या है, बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा, ये इस पर भी निर्भर करता है कि शिक्षक की शिक्षण की गति क्या थी, क्योंकि ये शिक्षण की गति विषय वस्तु की प्रकृति से जुड़ी है, ये शिक्षण की गति उनके अधिगम क्षमताओं से जुड़ी है, उनकी मानसिक योग्यताओं से जुड़ी है शिक्षार्थियों की। तो शिक्षार्थियों की अधिगम उपलब्धि क्या होगी, इसका सामंजस्य अध्यापक के शिक्षण की गति से होना आवश्यक। हमने बहुत तेजी से पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए बहुत कुछ पढ़ा दिया और जब हमने उपलब्धि परीक्षण लिया तो देखा कि अरे मेरे विद्यालय में तो मेरी कक्षा में तो विद्यार्थियों ने 20% विषय भी ठीक से नहीं सीखा, ये 40% विषय भी ठीक से नहीं सीखा। और हम कह देते हैं कि बच्चे हमने पाठ्यक्रम पूरा कर दिया और बच्चे फेल हो गए। हमने पाठ्यक्रम पूरा कर दिया और उसकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर सीधे सीधे डाल देते हैं। तो समय प्रबंधन केवल कितने मिनट और कितने घंटे पढ़ाना ही नहीं है, समय प्रबंधन के ये बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं और एक शिक्षक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी कक्षा में अपनी कक्षा की विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं, आज क्या पढ़ाना है निर्धारण करते हैं, तो ये भी तय करते हैं कि कितना पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यह भी तय करता है शिक्षण की गति को। एक और इसका आयाम है समय प्रबंधन का, वो है अंतः परिवर्तन का समय। अंतः परिवर्तन का समय अर्थात एक कक्षा में कई बार अध्यापक केवल भाषण ही तो नहीं देता, कुछ प्रयोग करके दिखाता है, कुछ प्रश्नोत्तरी का प्रयोग करता है, कभी कोई यदि वो थोड़ा अच्छा विद्यालय है वहां पर श्रव्य दृश्य सामग्री की उपलब्धता और दिखाने की व्यवस्था है तो वह श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, ऑडियो वीडियो लेकर आता है उनको भी प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में कई बार कक्षा में यदि नियोजन ठीक से नहीं किया जाए, समय प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाए, तो जो आवंटित कक्षा के लिए समय है उसमें बहुत सारा समय क्रियाकलाप की व्यवस्था में निकल जाता है, सामान इकट्ठा करना, उसको मेज पर सजाना, उसको लगाना, इस सब में बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है और फिर आप जो विषय वस्तु पढ़ाने आए हैं वो विषय वस्तु निर्धारित समय में नहीं पढ़ा पाते। तो ऐसे में एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि उसको यदि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप अपनी कक्षा में कराने हैं तो उससे संबंधित वस्तुओं का प्रबंधन ठीक से करे, वो ध्यान रखे कि इस सामग्री के नियोजन में कितना समय लगेगा, क्या वो अकेले कर पाएगा या उसे अन्य विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी, यदि विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी तो विद्यार्थियों को पहले से बताकर रखे कि उनकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पर वो समय प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक समय प्रबंधन का और आयाम है, अक्सर देखा गया है खासतौर पर प्राथमिक विद्यालयों में, कई जगह तो अध्यापकों की कमी भी होती है और कक्षाएं ज्यादा होती है, तो अध्यापकों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना पड़ता है और उस बीच में उनको और अध्यापक मिल गया तो उससे चर्चा करने लगे, या किसी कुछ और कार्य याद आ गया तो पहले अपना कक्षा ली फिर स्टाफ रूम में गए फिर वो कार्य किया फिर दूसरी कक्षा में गए। अर्थात एक कक्षा से दूसरी कक्षा के जाने के बीच जो अंतः परिवर्तन है और उसके लिए किसी भी विद्यालय में अतिरिक्त समय नहीं रखा जाता है। पहला घंटा तुरंत लगता है, दूसरा घंटा तो पहला घंटा उसको खत्म भी करना है और दूसरे घंटे में जाना भी है। तो पहले घंटे का कुछ समय भी वो उपयोग कर लेता है जाने में और दूसरे घंटे का भी कुछ समय उपयोग कर लेता है जाने में, तो वह घंटे के लिए आवंटित समय कम रह जाता है, उपलब्ध समय कम। बिल्कुल। तो अध्यापक को यहाँ भी समय प्रबंधन का ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो प्रचंड समय है जी बिल्कुल, जिसको हम लोग कहीं से नहीं देखते हैं, वो लगता तो है ही एक शिक्षक का एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने में। जी बिल्कुल सही। तो ये जो है ये जो अभी आपने गौरव जी आपके साथ जो चर्चा चल रही है उसमें हमने अब तक ये जाना कि समय प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, आपने विस्तार से हमें कक्षा कक्ष में समय प्रबंधन के विभिन्न आयामों को बताया है। प्रभावी समय प्रबंधन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, अब हम आपसे उन सिद्धांतों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कुछ विद्वानों ने उनको सिद्धांतों का नाम दिया है और कुछ विद्वानों ने कहा है कि हमने ये जो विभिन्न प्रकार के आयाम बताए जी, इन आयामों में शिक्षक क्या प्रयास करे जी कि प्रत्येक आयाम में कुछ वृद्धि हो जाए जी, यही सिद्धांत है। हाँ हाँ, बच्चे को पढ़ने के लिए अधिक समय मिल जाए, अध्यापक को परिचर्चा के लिए अधिक समय मिल जाए, उसको आवंटित घंटे अधिक हो जाएं, उसको ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना कि कुल समय उतना ही है। सबको ज़्यादा चाहिए तो फिर तो ज़्यादा समय नहीं आ सकता। तो ये सिद्धांत के साथ साथ एक नज़रिया दृष्टिकोण है कि इन समय का हम कितना बेहतर उपयोग कर सकें, उसके कुछ तरीके हैं। जी जी, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आवंटित समय की। आवंटित समय में हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं,
जब हम वार्षिक योजना बनाते हैं एक अध्यापक के रूप में, तब हम ये अनुमान लगाएं कि हमें कुल कितना समय आवश्यक है, कितना समय चाहिए, प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए कितना समय चाहिए, सभी विषयों को पढ़ाने के लिए कितना समय चाहिए, और सभी विषयों के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों के लिए कितना समय चाहिए। तो हम वार्षिक योजना में ये देखें कि कुल कितना समय हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से हम कितना समय किस योजना में आवंटित कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम समय का आवंटन करें तो ये भी देखें कि क्रियाकलाप की प्रकृति क्या है। प्रायोगिक क्रियाकलाप है तो उसको कितना समय चाहिए, कक्षा कक्ष से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित सामान्य क्रियाकलाप है उसको कितना समय चाहिए, कोई फील्ड ट्रिप है, कोई ग्राउंड में, मैदान में, जंगल में, या कहीं बाहर ले जाकर भ्रमण में यदि कृषि क्रियाकलाप को कराना है। मान लीजिए हमने एक भ्रमण तय किया, प्रत्येक विषय का अध्यापक ये तय कर ले कि मैं महीने में अपने बच्चों को एक जगह भ्रमण के लिए ले जाऊंगा, और यदि उसके 6 विषय हैं तो 6 अध्यापकों ने तय कर लिया कि हर महीने हम भ्रमण के लिए ले जाएंगे, तो 22 कार्य दिवस हैं, और जिस दिन वो भ्रमण के लिए ले जाएगा उस दिन अन्य विषयों का शिक्षण तो होगा नहीं, तो पूरे 6 दिन तो चले गए भ्रमण में, तो भ्रमण की युक्ति भी आप हर बार प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो सभी अध्यापकों को बैठकर तय करना है कि भाई हमको पूरे वर्ष में कितने बार भ्रमण के लिए ले जाना है, या जब एक बार भ्रमण के लिए ले जाना है तो कितने विषयों के आयामों को वहां हम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए हम किसी बाघ के भ्रमण के लिए, बाहर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो उसमें गणित का क्या पक्ष हो सकता है, ईवीएस का क्या पक्ष हो सकता है, भाषा का क्या पक्ष हो सकता है, इन सबकी योजनाएं बनानी पड़ती है। इसलिए समय प्रबंधन विद्यालय में किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है, ये सभी अध्यापकों को अपने प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर करना होता है, मतलब जो उपलब्ध कुल समय है। कुल समय। अगला, आवंटित समय की वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, यदि हम आवश्यक उपकरण और सामग्री को पहले से तैयार रखें। कई बार अध्यापक क्या करते हैं, उनको जो आवंटित समय है वो उसी समय में सामग्री तैयार करते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए उनको एक चार्ट का प्रयोग करना है, तो एक तरीका है कि अध्यापक चार्ट घर से तैयार करके ले आए, या किसी मॉडल को बनाना है वो मॉडल कहीं से तैयार करके ले आए, और एक है नहीं, जब उसको विद्यालय में आ जाएगा तभी बैठकर उसको चार्ट बनाना है, जबकि शिक्षण अभ्यास में वो ये सीखते हैं कि उनको ये चार्ट या मॉडल पहले से बना के कक्षा में जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कुल आवंटित समय कैसे बढ़ा। इसका एक और आयाम है, कई बार कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान कर ली जाए जिनको यदि कोई कार्य दिया जाए तो वो समय पर पूरा कर लेते हैं, और ऐसे कौन से बच्चे हैं जो दिए गए कार्य को समय पर पूरा नहीं करते, ज्यादा समय लगाते हैं। यदि हम इसको पहले से ध्यान रख लें तो जब हम समय आवंटित करेंगे तो उन बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे, उन बच्चों को कुछ और समय कहीं से दे सकते हैं। लेकिन जब हम एक ही समय देते हैं, हमने किसी क्रियाकलाप के लिए 10 मिनट दिया और पूरी कक्षा को 10 मिनट दिया, तो जो तेजी से काम करने वाले हैं वो तो 10 मिनट में कर लेते हैं, जो तेजी से काम करने वाले नहीं है वो उनको 15-20 मिनट चाहिए, और हम उनको 15-20 मिनट दे नहीं पाते। बिल्कुल। तो क्या होता है, वो बच्चों का काम अधूरा रह जाता है, उनका अधिगम अधूरा रह जाता है। तो आवंटित समय में वृद्धि करने के ये कुछ बिंदु हैं जिनकी चर्चा करनी आवश्यक थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण समय था वो था संलग्नता हेतु समय, जिसकी हमने बात की थी। इसके लिए हम कैसे, इसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं, एक तो समय सारणी पहले से बना ली जाए, दूसरा अध्यापक एक चीज तय कर ले कि कक्षा में प्रवेश के बाद वो जितने क्रियाकलाप करेगा उनमें बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, वो ऐसी शिक्षण विधियों का चयन करे जो एक मार्गी ना हो, वो ऐसी शिक्षण विधियों का चयन करे, जैसे यदि वो लेक्चर मेथड ही इस्तेमाल कर रहा है कुछ देर के लिए, तो वो लेक्चर में भी प्रश्नों को ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न युक्ति का प्रयोग करके उसको भी, उसमें भी बच्चों को भागीदार बना सकता है। वो ये तय करे कि बच्चों को भागीदार, क्योंकि जैसे जैसे आप बच्चों को भागीदार बनाएंगे बच्चों की संलग्नता कक्षा में बढ़ेगी, तो संलग्नता हेतु समय बढ़ जाएगा। बच्चों से निरंतर इंटरेक्शन किया जाए, निरंतर अंतःक्रिया की जाए, कक्षा पर ध्यान दिया जाए, और यह भी ध्यान रखा जाए कि बच्चे उनको जो कार्य दिया गया है उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। इसके लिए सुझाव यह दिया जाता है कि अध्यापक बाल केंद्रित क्रियाकलापों का नियोजन करे। यदि वो ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर संलग्नता हेतु समय में वृद्धि हो सकती है। इसका अगला आयाम है शैक्षणिक अधिगम समय में वृद्धि। शैक्षणिक अधिगम समय में हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं? शैक्षणिक अधिगम समय में वृद्धि करने के लिए शिक्षकों को सबसे पहले कहा जाता है कि वे जो उदाहरण लें, वे उदाहरण यदि बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़े हैं तो उन उदाहरणों को समझने में बच्चों को कम समय लगता है।
लेकिन यदि वो ऐसे जगत से उदाहरण लेकर आ जाते हैं, जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं और हमारे कई साथी भी उदाहरण देते हैं, कि यदि लद्दाख में एक विद्यालय में अध्यापक पत्तों के प्रकार पढ़ा रहा है और भाई पीपल के पत्ते का उदाहरण दे रहा है बच्चे को, अब पीपल का पत्ता तो लद्दाख में होता नहीं, इतनी ठंडी जगह है ले लद्दाख में जी, तो बच्चे को विजुलाइज करने में बहुत समय लगता है कि पीपल का पत्ता कैसे होता है। बिल्कुल। या सीढ़ीदार खेती आप केरल के बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाएं बिल्कुल बिल्कुल, उत्तरांचल के बच्चे हिमाचल के बच्चे जल्दी समझेंगे जी। तो आप कौन से अनुभव लेकर आ रहे हैं, कौन से उदाहरण लेकर आ रहे हैं, ये भी समय प्रबंधन से जुड़ा भी इसका ही आयाम है। अच्छा, क्योंकि यदि आप एब्स्ट्रैक्ट चीजें लेकर आएंगे, ऐसी चीजें लेकर आएंगे जो उनके अनुभव से जुड़ी नहीं है, तो वो आपसे ज्यादा प्रश्न करेंगे, आपसे ज्यादा चर्चा करेंगे, तो संलग्न समय तो बढ़ जाएगा लेकिन एक ही विषय पर अधिक समय आप दे देंगे तो शैक्षणिक अधिगम समय आपका कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, आप जब क्रियाकलापों की योजना बनाएं तो अध्यापकों से हम अक्सर कहते हैं कि आप ये ध्यान रखें कि बच्चों की रुचि किस प्रकार के क्रियाकलापों में है, है। अपने विषय से ऐसे क्रियाकलापों का चयन करें जो बच्चों की रुचियों से जुड़े हों। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप शैक्षणिक अधिगम समय में वृद्धि कर पाएंगे, क्योंकि यदि क्रियाकलाप बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर नहीं आपने निर्धारित किया है तो बच्चों की रुचि विकसित करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आपको बहुत समय लगेगा जी, और उस समय से आपका जो शैक्षणिक अधिगम के लिए उपलब्ध समय है वो कम हो जाएगा। साथ ही एक और हम सलाह देते हैं और अक्सर अध्यापकों से चर्चा होती है तो बात की जाती है, यदि एक अध्यापक को शैक्षणिक अधिगम समय में वृद्धि करनी है तो उसको विशिष्ट और साकार प्रक्रियाएं अपनानी होंगी, कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक चीजें अपनानी होंगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बहुत ज्यादा हो सकता। और प्राथमिक अध्यापक के लिए तो खासतौर पर ही कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्टनेस में बात नहीं कर सकता, निराकार भाव से बहुत ज्यादा अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकता, उसको वही चीजें बच्चों के सामने रखनी है, वही उदाहरण वही प्रक्रियाएं करानी है जो बच्चे कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। अगला जो महत्वपूर्ण आयाम है वह है पाठ्यचर्या या पाठ को गति प्रदान करना। जब हम इसकी बात कर रहे थे कि गति प्रदान करना क्यों आवश्यक है तो हमने बहुत सारे पक्षों की बात की थी। एक अध्यापक को संपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक और सत्रीय कार्य योजना का निर्माण करना चाहिए कि पूरी पाठ्यचर्या में उसको जो विषय दिया गया है उसमें किस किस पक्ष में उसको कितना समय देना है जी, कितना समय लगाना है, कैसे अपनी पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए गति देनी है, उसको विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाना भी आवश्यक है। यदि वह अपने शिक्षार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाएगा तो वह उचित शिक्षण विधि का चयन करेगा, और यदि उचित शिक्षण विधि का चयन करेगा साथ ही वो पेसिंग भी डिसाइड करेगा कि उसको किस गति से अपनी कक्षा में पढ़ाना है जी, तो वो भी एक महत्वपूर्ण आसपास बिंदु है। साथ ही कई बार शिक्षक क्या करते हैं, जब उनको कहा जाता है कि आपके शिक्षण की गति बहुत ज़्यादा है, बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो वो शिक्षण की गति कम कर देते हैं, हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे। नहीं, शिक्षण की गति कम कर देने से समाधान नहीं होता। बिल्कुल, हो सकता है आप जो विषय वस्तु उन्हें दे रहे हैं उसका कठिनता स्तर अधिक हो, तो शिक्षण की गति को हर बार कम करने की बजाय आप कठिनता स्तर को कम करिए जी जी। यदि आप विषय वस्तु की कठिनता स्तर को कम करेंगे तो आप जिस गति से पढ़ा रहे हैं उसी गति से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कठिन चीज के लिए गति धीमी करनी पड़ती है। तो हो सकता है आप जो विषय वस्तु दे रहे हैं उसका स्तर आपने इतना कठिन बना दिया है कि बच्चे उस स्तर को समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कठिनता स्तर उसका बढ़ गया है। इसलिए इन सब में तो हमने वृद्धि की बात की, एक आयाम है जिसमें कमी करनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो अंतिम आयाम है अंतः परिवर्तन का समय जी जी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि उसको तैयारी में बहुत समय लगता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाने में बहुत समय लगता है, इस समय को कम कैसे करें जी, ये भी कक्षा कक्ष समय प्रबंधन का ये महत्वपूर्ण आयाम है। इसके लिए अध्यापकों को हम कहते हैं कि वो अपनी अध्यापक अध्यापन सामग्री जो है, जो आवश्यक सामग्री है, उसकी पूर्व से तैयारी करें। जो दिशा निर्देशक बिंदु है, मार्गदर्शक बिंदु है, उनकी जानकारी विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से पहले से दे दें जी जी, अपनी कक्षा में समय का सही से बंटवारा करें और ये अनुमान लगा लें कि उनकी अगली कक्षा किस कितनी दूरी पर है, उनको कितना समय जाने में लगेगा। तो एक ही कक्षा के 5 मिनट खराब करने की बजाय यदि आप 2-2 मिनट दोनों कक्षाओं से लेंगे तो दोनों कक्षाओं के 3-3 मिनट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, इस तरह की जो बिंदु हैं ये कुछ मैंने ऐसे पक्ष आपके सामने रखे जिससे हम एक अध्यापक के तौर पर
समय को यदि ठीक प्रकार से प्रबंधित करें, खासतौर पर कक्षा कक्ष में समय को, तो विद्यार्थियों की बहुत मदद कर सकते हैं। तो अभी हमने विस्तार से आपसे समय प्रबंधन के बारे में जाना जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गौरव जी जी, और अपने सभी शिक्षार्थियों का जो DL.ED पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि समय प्रबंधन संबंधी जो जिन पर हमने आज चर्चा की उन पर अमल करें, उनका प्रयोग करें और अपने विद्यालय के अनुरूप, अपनी कक्षाओं के अनुरूप समय प्रबंधन की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर, कक्षा के स्तर पर और विषयगत रूप से भी समय प्रबंधन करने की कोशिश करें। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।